नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और खेल के इस महाकुंभ में भारतीय खिलाड़ी लगातार अपना दबदबा बनाए हुए हैं। शुक्रवार की शानदार शुरुआत के साथ भारत की झोली में 3 गोल्ड डाले गए हैं। आपको बता दें कि बजरंग पूनिया, पहलवान साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने शानदार प्रदर्शन किया। इसी के साथ दिव्या काकरान और मोहित गिरवाल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, जबकि अंशु मलिक के नाम सिल्वर मेडल रहा। बजरंग पूनिया ने पहले ही दौर में 4 में से 3 मुकाबले जीते। बता दें कि बजरंग पूनिया का 65 किलो वर्ग में इतना दबदबा रहा कि पहले ही दौर में उन्होंने 4 में से 3 मुकाबले जीत लिए। उन्होंने फाइनल में कनाडा के लाचलान मैकनील को 9-2 से हरा दिया। इससे पहले इंग्लैंड के जॉर्ज रैम पर तकनीकी श्रेष्ठता से 10-0 से जीत दर्ज कर आसानी से फाइनल में जगह बनाई थी। बिल्कुल, इतना प्यार और इतना सम्मान देशवासियों की तरफ से मिल रहा था और बाहर के खिलाड़ी भी, बाहर के दर्शक भी इतना सपोर्ट कर रहे थे, तो मैं सबको धन्यवाद करता हूं कि भाई आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया। भारतीय महिलाओं का राष्ट्रमंडल खेलों में दबदबा। भारत के पुरुषों के साथ ही महिला खिलाड़ी भी बर्मिंघम में दमखम दिखा रही हैं। साक्षी मलिक कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड हासिल कर चुकी हैं और 62 किलोग्राम के फाइनल में कनाडा की एना गोंजालेस को चित किया। बता दें कि इससे पहले वो राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। वहीं अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में पदक जीतकर देश का कुश्ती में खाता खोला था। दिव्या काकरान ने महिलाओं के 68 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल के प्लेऑफ मुकाबले में टोंगा की टाइगर लिली को महज 26 सेकंड में हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। दिव्या काकरान हालांकि फ्रीस्टाइल 68 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में नाइजीरिया की ब्लेसिंग से तकनीकी श्रेष्ठता से 0-11 से हार गई, जिससे वो रेपेशॉज में उतरी। तब मैं जा रही थी, मैंने कहा देखो दिव्या, मैं गोल्ड का खो चुकी हूँ, गोल्ड और सिल्वर पर, लेकिन ब्राउन्स किसी भी हालत में चाहिए और कैसे भी करके चाहिए, क्योंकि मेडल तो मेडल होता है। खाली आ जाने से अच्छा है कि हम अपने देश के लिए मेडल लेके जाए, और हमने अपना बेस्ट दिया है और कलर चेंज करने की पूरी कोशिश करी थी, क्योंकि पिछली बार मेरा ब्राउन्स था, अब की बार भी मेरा ब्राउन्स है, तो देखते हैं आगे पूरी मेहनत करेंगे। अब की बार बस सोच के यही आई थी कि गोल्ड ही लेके जाना है, क्योंकि मेरा ब्रॉन्ज भी था, सिल्वर भी था, तो बस ये नहीं था कि मेडल लेके आना है, सोच के ही घर से ये चली थी कि गोल्ड ही लेके आना है। खुशी है कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स था तो सिल्वर, देश के लिए सिल्वर मेडल जीत पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ का अफसोस है कि गोल्ड नहीं जीत पाए, और बस आगे और कोशिश करेंगे। दीपक पूनिया ने भारत को दिलाया 3रा गोल्ड। दीपक पूनिया ने पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को पुरुषों की 86 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में 3-0 से हराकर भारत को 3रा गोल्ड दिलाया। वो कनाडा के अलेक्जेंडर मूर को 3-1 से पराजित करके फाइनल में पहुंचे थे। पुरुषों के 125 किलोग्राम वर्ग में प्लेऑफ मुकाबले में मोहित ग्रेवाल ने जमैका के ओरान को 6-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। मोहित ग्रेवाल साइप्रस के एलेक्सियोस को हराकर 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल के सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन उन्हें कनाडा के अमरवीर धीसी से 2-12 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे वो रेपेशॉज खेले। काफी खुश हूं मैं और काफी अच्छा लगा कि इतने हमारे जो इंडियन थे वो हमें चेयर करने, सपोर्ट करने यहाँ पे आए, और बड़ा अच्छा लगा। जो फाइनल मुकाबला था वो निकटतम प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध था, तो वो मैच को लेकर कुछ था, इसको लोग पहले ही से बना देते, एक भारत पाकिस्तान मुकाबला है। हाँ जी, देखो ये सब मैंने सोचा भी था कि ऐसा होता है, ये होता है, तो फिर मैंने जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो बिल्कुल नहीं लिया कि ये सब है, बस अपना फोकस किया कि अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है। मैं मेरे प्रदर्शन के लिए कहूँगा कि मैंने तैयारी तो गोल्ड की थी, पर मैं ब्रॉन्ज के साथ यहाँ आ रहा हूँ, अगली बार मैं गोल्ड लेके आऊँगा, और मेरा एक ही टारगेट है 2024 ओलंपिक के देश का नाम झंडा और एक राष्ट्रगान जब बजता है मैं वो सुनना चाहता हूँ, और मेरी कंट्री को और मेरे जो भी फैमिली हैं, कोचेज और सबको जो मेरे से जुड़े हैं, पूरे इंडिया को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विजेता साक्षी मलिक अंतिम 4 मुकाबले में कैमरून की बर्थे इमिलियने इटाने एनगोले पर तकनीकी श्रेष्ठता से 10-0 की जीत से फाइनल में पहुंची थी। साक्षी ने क्वार्टर फाइनल में भी तकनीकी श्रेष्ठता से जीत हासिल की। उन्होंने शुरुआती मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड की केल्से बोर्नेस को मात दी। द चैंपियन बजरंग मॉरिशस के जीन गुलियाने को महज 1 मिनट में पटकनी देकर 6-0 से जीत हासिल कर सेमीफाइनल में पहुंचे।
उन्हें क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में 2 मिनट से भी कम का वक्त लगा, जिसके लिए उन्होंने शुरुआती दौर में नौरू के लौवे बिंगम को गिराकर 4-0 से आसानी से जीत दर्ज की। बजरंग ने अपने प्रतिद्वंदी को समझने में 1 मिनट का वक्त लिया और फिर जकड़ने की स्थिति से अचानक बिंगम को पटक कर मुकाबला खत्म कर दिया। बिंगम को इस अचानक हुए दाव का पता नहीं लगा और भारतीय पहलवान आसानी से जीत गया। अंशु को फाइनल में नाइजीरिया के खिलाड़ी से 3-7 से हार का सामना करना पड़ा। अंशु ने इससे पहले हर मुकाबले में दबदबा बनाया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की इरेन और सेमीफाइनल में श्रीलंका की नेथमी पर तकनीकी श्रेष्ठता से 10-0 से जीत दर्ज की। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।